कोडिंग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था? कौन सा पोर्शन के डाउट भव्य है? क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने तुमको? अच्छा इंटीग्रेशन वाले, हाँ ले लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन सा डाउट ले लेंगे, या थोड़ा पढ़ा के फिर भी ले सकते हैं, तुम मेरे को डाउट बता देना, ठीक है? अनंत अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, ठीक है? चलिए बढ़ते आगे यार। हाँ चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की तरफ चल रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड यार, बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे। हमने आपसे बोला था कि यार डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, अब आगे बढ़ने का टाइम। तो सॉल्यूशन मेथड्स पे बात करते हो, तो सबसे पहला मेथड जो है ना यार, वो अपना कौन सा है यार? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है? तो सबसे पहला मेथड क्या है अपना? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई डी वाई, बी say that the variables are separable and solution can be obtained by the integrating each side separately. ये क्या कहना चाहता है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे brief करता हूँ यार आपको, ठीक है? क्या कहना चाहता है? मेरे पास क्या दे रखा है यार? fx dx वाला है। अगर कोई question मुझे ऐसा दिया गया है, क्या dy by dx is equals to x plus 1 upon y, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? इसको directly separate कर सकता हूँ। कैसे? y वाला एक तरफ ले जाया जा सकता है, x वाला एक तरफ ले जाया जा सकता है, और इन दोनों को जैसे आप सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट आ जाएगा y स्क्वायर बाई टू, इसका कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाई टू प्लस x प्लस में कितना आ जाएगा c। तो देखो कितनी आसानी से आपने वेरिएबल को जैसे ही सेपरेट किया आपका आंसर तुरंत निकल के आ गया। आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो y square by 2 equals to x square by 2 plus x plus c, ये आपका overall result हो जाता है। ये चीज क्या कहलाती है? variable separable method, ठीक है? variables को separate किया और solve कर दिया। बताइए किसी को कोई doubt है किसी भी जगह किसी भी part में, तो please 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 मुझे बताइए, नहीं तो हम अगला question आपको देते हैं, उसे solve कीजिए। अच्छा एक चीज, हम पूरे के पूरे process को क्या करेंगे यार? हिस्सों में करेंगे। जैसे पहले हम मेथड पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, तो दूसरा मेथड होगा रिड्यूसेबल टू द वेरिएबल सेपरेबल। फिर उसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, जैसे होमोजीनियस पढ़ रहे हैं तो रिड्यूसेबल टू द होमोजीनियस फॉर्म पढ़ेंगे। तो ऐसे वैरायटी ऑफ मेथड्स हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चंस पे टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। प्लीज जल्दी नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। बोलो क्या बोल रहे हो सर? एक बार और एक्सप्लेन कर दो। वेरिएबल सेपरेबल में तो कुछ नहीं है, ये कितना है dy by dx is equals to कितना है x plus 1 upon y, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां dx निकाल दीजिए, तो y dy is equals to x plus 1 dx, ये कितना आ जाएगा y square by 2 is equals to, ये कितना हो जाएगा x square by 2 plus x times plus में कितना हो जाएगा c हो जाएगा। सिंपल है, और वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो आप सीधे सीधे।
dx की तरफ में, x वाले पूरे के पूरे, dy की तरफ में, y वाले पूरे के पूरे, बस इतना सा काम, पार्ट कर लो यार, खत्म मामला। जल्दी सर, सर आपने कल जैसे जैसे 1/x dx इंटीग्रेशन, जैसे log x आएगा तो उसमें हम log c लेंगे कांस्टेंट। बिल्कुल, जब log आएगा तब log ही लेना पड़ेगा। ओके सर। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉग रहेगा तो लॉग दोनों तरफ, अगर लॉग आ रहा होगा तो सी को लॉग मिलेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। सॉल्व कीजिए, हो गया? बढ़िया। ये कितना है, x प्लस वन टाइम्स ऑफ y dx, ये y माइनस वन टाइम्स ऑफ x है, तो यार सीधा सीधा x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस x, x वाला इधर ले आएंगे, डिवाइडेड बाय x dx, ये आ जाएगा y माइनस वन अपॉन y, ये कितना आ जाएगा dy, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन y, ये कितना हो जाएगा dy, ये कितना हुआ भाई, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड में यार, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, 1 अपॉन x का कितना हो जाएगा log x बेस e, 1 का इंटीग्रेशन y, 1 अपॉन y का log y बेस e प्लस c, बस काम फिनिश है, सीधा सीधा सा मामला है, आप इनको चाहो एक तरफ रख लो, नहीं चाहो मत रखो, इधर लेके चले जाएंगे तो x माइनस वाई प्लस लॉग x बेस e प्लस यहां पे आ जाएगा log y बेस e इज इक्वल टू c, x माइनस वाई यहां पे कितना आ जाएगा log ऑफ x y बेस e इज इक्वल टू c, बस लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। जल्दी बताओ, अरे इसमें कांस्टेंट का लॉग सी नहीं आएगा क्या? कांस्टेंट लॉग सी नहीं आएगा,
लॉग सी बेटा तब लिखते हैं जब पूरा लॉग में हो, आई बात समझ में? तुम छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इस केस में। यस सर। थर्ड पार्ट, थर्ड वो बताना स्टेप। कौन सा थर्ड स्टेप? सर लॉग लिया था जिसमें ये वाला। यस सर। तो इसको तो इधर लेके गए बस, ये x है ये y वाले को इधर लेके गए, तो x minus y plus log x base e, ये इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो log x base e plus log y base e, तो आंसर कितना आ जाएगा, log of x y आ जाएगा ना प्रोडक्ट के तौर पे, base e is equal to। सर हां सर, ये थर्ड स्टेप तक ही छोड़ सकते हैं या फिर ये पूरा इतना सॉल्व करना है? आप थर्ड इतना छोड़ सकते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। वो तो भाई तुमको कांस्टेंट का आंसर निकालना होगा, उस पे काम चलेगा ना, बाकी सब कुछ छोड़ा जा सकता है, कोई टेंशन वाली चीज ही नहीं है इस पूरे केस में। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन को जो आपने थर्ड स्टेप में लिखी हुई है वहां तक मतलब छोड़ सकते हैं ना, यहाँ तक ना। हाँ सर। अरे वही तो समझा रहा हूँ कि कांस्टेंट निकालने के लिए ही इसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। अब मैं इनिशियल कंडीशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे दूंगा तो काम बन जाएगा ना एक ही मिनट में। हाँ ठीक है, तो वो स्टेप में छोड़ो चाहे स्टेप में छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे केस में। ठीक है सर। ठीक है चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहेगा भाई, करो सॉल्व जल्दी। डन। चलिए tan इनवर्स y इक्वल्स टू e टू द पावर x plus c, डन। बताइए तो ये कितना हो गया आपके पास में, dy अपॉन 1 plus y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना है e की पावर x plus 1 टाइम्स ऑफ कितना है dx, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स y is equals to ये हो गया e की पावर x plus 1 is e की पावर x plus में c। बताइए कोई डाउट है किसी को भी तो प्लीज बताइए। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से इस पूरे प्रोसेस में तो प्लीज बताइए। बढ़िया, बड़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करो जल्दी।
डन है बेटा, बताओ अनंत ने एक आंसर दिया है, कोई बात नहीं देते जाओ आप आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं। आंसर देते जाओ सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार अनंत ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन बच्चा ऐसी कोई नहीं यार, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये सेंटर है हमारा, कुछ लोगों ने देखा होगा आज ऑफिस से क्लास चल रही है आपकी, सही लग रहा है बहुत दिनों बाद, बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग, अच्छा लग रहा है। कर दूं सॉल्व, बढ़िया आनंद भाई, चलिए सॉल्व कर देते हैं यार, आप थोड़ा समझेंगे तो ज्यादा आसानी से होगा। सबसे पहले डीवाई बाई डीएक्स को एक तरफ कीजिए, ये पोर्शन कितना हो गया आपके पास में, आप ध्यान से देखेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा वाई माइनस, आप चाहेंगे तो ए वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, इस पूरे पोर्शन को इधर ले जाइए तो एक्स प्लस वन टाइम्स ऑफ कितना हो गया, ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स, इधर आ गया ए भी आएगा यार, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया इसको लिखने में, तो ये पोर्शन इधर आ जाएगा एक्स प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं यार, y वाले को इधर ले आ जाऊं, इसको इधर ले जाता हूं तो dx अपॉन x प्लस a आ जाएगा, और dy अपॉन यहां से y कॉमन आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ए वाई, आप इसे यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है सर ये तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा इसका आंसर तो log आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन ये यार ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसे थोड़ा सा अलग से लेके सॉल्व करके देख लीजिए, तो 1 अपॉन y टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए वाई ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा वन अपॉन वाई, यहां पे देखो बेटा हमने क्या बोलता है स्मॉलर टर्म माइनस बिगर टर्म करना होता है ना, तो स्मॉलर टर्म कितनी हो गई यहां पे वन माइनस ए वाई, बिगर टर्म कितनी होगी वन अपॉन वाई, एलसीएम ले डालो कितना आ गया वाई, वापस यही आना चाहिए माइनस वन माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है आपके पास में, यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो यार वाई टाइम्स ऑफ वन माइनस ए वाई, ठीक है इसको एक बार देखते हैं, हो सकता है सही आ जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे यहां से ए को कॉमन निकाल लेंगे, उससे अपना काम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे वाई वाले केस में ना वाई पूरा पूरा कट नहीं रहा है यार, ये दिक्कत करेगा आपको, चलिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्या करते हैं ए को आप निकाल लो कॉमन, ठीक है तो ए को आपने निकाल लिया कॉमन, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वन अपॉन ए बाहर आया वाई बाहर आया वन अपॉन ए माइनस वाई, तो यहां पे कितना आ जाएगा वन अपॉन ए एज इट इज आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में वन अपॉन ए माइनस वाई, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस नेगेटिव नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी यार, और कोई अपने पास ऑप्शन बन नहीं रहा, इसको एक और ट्राई मार के देखता हूं, अगर हो गया तो ठीक है नहीं तो मैं इसको सीधा सीधा उससे सॉल्व कर दूंगा, फिर सीधा सीधा कैसे सॉल्व कर दूंगा क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से सॉल्व कर दूंगा एक लास्ट ट्राई करके,
ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन वाई वन अपॉन ए माइनस वाई इज इक्वल्स टू, मैं अगर इसे ले लेता हूं कितना, यहां पे y, इसे कर दू प्लस, नेगेटिव करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पे बीच में प्लस होता था, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, और इसे कर दू a अपॉन वन माइनस ए वाई, इसका एलसीएम देखो तो ए वाई प्लस ए वाई अपॉन ये कितना हो जाएगा y इंटू वन माइनस ए वाई, करेक्ट है यार, ठीक है ये वाला करेक्ट आ गया, तो y टाइम्स ऑफ वन माइनस ए वाई आ गया, ये वाला करेक्ट आ गया, ठीक है। तो बस यार इसको बस इस तरीके से फिल्टर कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वन माइनस ए वाई टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा डी वाई, बस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस ए, ये कितना आ जाएगा यार, यहां से देखो ये आ जाएगा लॉग वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस केस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई करने का तरीका क्या है, आप माइनस बाहर ले लीजिए, यहाँ पे ए वाई माइनस वन हो जाएगा, तो आप ए को भी बाहर लेके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कि ए हमने बाहर ले लिया, तो मैं ए को यहां से बाहर ले लेता हूं, यहां से हटाया तो ये वन अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पे टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, इसने इसको उड़ा दिया, बचा आपके पास माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन ए, तो ये माइनस लॉग वाई माइनस वन अपॉन ए आपके पास आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में देखो अब भव्या तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो प्लस में भी तुमको क्या लेना पड़ेगा, लॉग सी। भव्या समझ में आई मेरी बात, एक ही जगह लेंगे सर क्या, हाँ एक ही तरफ लेना होता है, एक ही तरफ लेना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस a, यहां से आंसर कितना हो जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा y अपॉन y माइनस वन अपॉन a, ठीक है, प्लस में कितना है log c, तो अब और इसे फिल्टर करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा log of x प्लस a, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो log c y अपॉन y माइनस वन अपॉन a, ठीक है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये log बोथ साइड से हटा दीजिए, x plus a is equals to ये आ जाएगा a c y upon a y minus one, ये पूरा का पूरा आंसर बन गया। बताइए किसी भी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, भानु नहीं आया क्या आज, नहीं है, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, c कैसे आया, आदि इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है तुम बताओ, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो अप्लाई करोगे ही करोगे या तो नहीं करोगे, आदि भाई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो करोगे या नहीं करोगे, बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, खींच ली फोटो इसकी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, एक सेकेंड, 5 अक्टूबर लेना था, चलिए इक्वेशन रिड्यूसेबल टू दी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इक्वेशन रिड्यूसेबल टू दी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हेडिंग लिखिए फटाफट इक्वेशन रिड्यूसेबल टू दी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू दी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, equation reducible to the variable separable form, चलिए अब reducible का क्या मतलब है बेटा, मैंने आपको बताया कि सारे पूरे प्रोसेस को ही हम इसी तरीके से करेंगे, reducible का मतलब है पूरे प्रोसेस को ही हम इसी तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे पहले सिंपल फॉर्म पढ़ेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल हमने सिंपल फॉर्म पढ़ ली,
अब मैं कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़ूंगा जिन्हें मैं रिड्यूस करके उस वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में जा सकता हूं। तो ये कितना है देखो, ये कौन सी इक्वेशंस को रिड्यूस किया जाएगा, इसने इक्वेशन का बराबर फॉर्म दिया हुआ है। देखो याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम पढ़ा रहे हैं ये सच में बहुत ज्यादा काम का है। आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन जेई के क्वेश्चन में बच्चा कभी कभी फंस जाता है, तो उसे हटाने के लिए इसने क्लियरली बोला है कि ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी के बराबर। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन वन, बी डी वाई बाई डी एक्स, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो ए आप बोलेंगे कि यहां पे अगर आप चाहें तो ये dy by dx वैसे तो रिप्लेस किया जाएगा, तो यहां से dy by dx को रिप्लेस करने के लिए हम चाहेंगे तो dy by dx ऐसे आ जाएगा, ये dt by dx minus a into में कितना हो जाएगा 1 upon b, तो बस यहां पे रख दिया जाएगा 1 upon b dt by dx minus a is equals to कितना हो जाएगा ft, ठीक है। बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू बी एफ टी, यहां से डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी एफ टी प्लस ए। बस यहां पे क्या गड़बड़ है यार, ये टी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं टी वाले को नीचे ले आएंगे, ये बी एफ टी प्लस ए बन गया और यहाँ पे dx बन गया। तो देखिए वेरिएबल बड़े आसानी से सेपरेट हो गया, बताइए किसी को कोई दिक्कत है पूरे प्रोसेस में, तो वेरिएबल t वाला t की तरफ आ गया, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट की तरफ आ गई, बताइए कोई डाउट है किसी को भी, तो किसी भी तरीके से। तो बताइए नोट कर लीजिए फटाक से, क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए।